सूरदास जी, नेत्र न होते हुए भी इनको हर हर स्थान पर अपने युगल सरकार दिखाई देते। कथा आती है कि बाबा सूर्य एक बार गोवर्धन में गिरिराज जी की तलहटी में बैठे बैठे रो रहे थे, कृष्ण को पुकार रहे थे, राधा रानी को पुकार रहे थे, हे प्रभु आप हमें कब दर्शन दोगे, कब से पढ़ाऊं आपके इस ब्रज धाम में, आपको कब से पुकार रहा हूं, एक बार तो दर्शन दे दो। खूब रो रो के गा रहे थे भाव, तो वहीं पे सामने आ गई श्री राधा रानी। राधा रानी आई और राधा रानी आकर के नाच रही थी, नृत्य कर रही थी, और नाचते नाचते श्री राधा रानी के पांव की पायल, श्री राधा रानी आगे नृत्य कर रही थी, ठाकुर जी भी श्याम सुंदर भी वहीं खड़े थे, राधा रानी धीरे धीरे घुंघरुओं की आवाज बजाती बजाती सूरदास जी की तरफ बढ़ती जा रही और ठाकुर जी देख रहे हैं कि सूर के सामने राधा रानी खड़ी और ये अंधा देख ही नहीं रहा, इसको पता ही नहीं बावरे को कि राधा रानी आई है, इसके आज भाग्य खुल गए। तो बड़े चतुर हैं ठाकुर जी, इशारा दे रहे हैं सूरदास को, इशारे में बात कर रहे हैं। इशारे में क्या बोले, अरे राधा रानी आगे मत बढ़ना, ये है ही अंधा पर है बहुत चालू, पांव पकड़ लेगा तो छोड़ेगा नहीं। अब सूरदास एकदम सतर्क हो गए कि कुछ तो इशारा आ रहा है कहीं से। सूरदास जी एकदम सतर्क हो के कि अब श्री जी हमारे तरफ बढ़े तो हम उनके चरण पकड़ लें। फिर श्री जी बढ़ती जा रही हैं तो फिर श्री कृष्ण इशारा देते जा रहे, अरे आप तो बिल्कुल इसके सामने ही पहुंच गई, अरे अब तो जैसे ही हाथ आगे करेगा तो सामने ही आपके चरण पकड़ लेगा। सूरदास जी समझ गए कि ठाकुर जी इशारा दे चुके हैं, तुरंत सूर बाबा ने राधा रानी के चरण पकड़ लिए। जैसे चरण पकड़े श्री जी एकदम पीछे झटका मार के हटी, तो जैसे हटी तो श्री जी तो हट गई पर उनकी जो पायल नूपुर वो सूरदास के हाथ में आ गई, वहां से तब तो भाग गई। थोड़ी देर बाद अब देखो अगर श्री राधा रानी के नूपुर नहीं होंगे ना, हमारे ब्रज की जो प्रेम की पद्धति है उसमें श्री राधा रानी के नूपुरों का बहुत महत्व है। ये जो रास आप सुनते हैं ना, ये रास कृष्ण की बांसुरी बजती तब तक है जब तक कानों में कृष्ण को राधा रानी के पायलों की आवाज आती है, नूपुर के बिना रास नहीं हो सकता। तो श्री जी ने कहा पायल तो जरूरी है, तो श्री जी आई सूर बाबा के पास लौट के, ओ बाबा तेरे ढोर हमारी पायल है या को वापस दे दे। बाबा बोले हम कैसे मान ले कि तुम्हारी पायल है, हाँ एक बात से मानेंगे कि जब इसके संग संग दूसरी वाली जब पायल एग्जैक्ट सेम टू सेम हमको दिखा दोगी तब हम मानेंगे कि आपकी पायल है, तभी हम देंगे, नहीं तो हम नहीं देने, कोई और असली इसका मालिक बाद में हमसे मांगने आ गया तो। श्री जी ने कहा तो ले देख। जैसे श्री जी ने दूसरा कदम बढ़ाया, सूर ने अब की बार चरण कस के पकड़ के बैठ गए, खूब रोए, हे श्री राधा रानी आपको क्या लगता है मैं अंधा हूं, पांव छुड़ा करके भग जाओगी, नहीं नहीं इतने इतने जन्मों जन्मों बाद आज आपकी कृपा प्राप्त हुई, ऐसे सूखा मत छोड़ के जाओ, इन आंखों को बस आपका दर्शन चाहिए, केवल आपको देखना।